हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। वी शैल डिस्कस टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, दैट इज इंडिया रजिस्टर्स ए स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। सो जो 1 लाख लाइव बर्थ्स में जितने भी मैटरनल डेथ्स होते हैं उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। सो जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल का जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, इट हैज़ कम आउट विद ए स्पेशल बुलेटिन ऑन MMR ऑफ द पीरियड 2016 and 18। सो द बुलेटिन सेज दैट इंडिया हैज़ विटनेस ए डिक्लाइन इन द MMR टू 113 इन दिस पीरियड, फ्रॉम 122 इन 2015-17 एंड 130 इन 2017 and 16। सो इंडिया ने लगातार पिछले 6 सालों में MMR में गिरावट को रिकॉर्ड किया है, जो कि एक अच्छी बात है। इवन UN का जो SDG है, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका टारगेट 3.1, उसका एम है कि ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को लेस देन 70 पर लाइफ बर्स, 1 लाख लाइफ बर्स करने का इसका टारगेट है। सो इंडिया इज़ मूविंग इन दैट डिरेक्शन राइट नाउ। So the bulletin records the MMR of different state, and it says that Assam has the highest MMR, that is 215. So Assam mein jyada maternal mortality ratio hai, yahan pe maternal death jyada hota hai, and Tamil Nadu has recorded the lowest, and these are some of the state that has recorded various MMR in this period, that is 2016 to 2018. So the maternal mortality in a region is a measure of reproductive health of women. ये reproductive health of women को indicate करता है MMR का जो ratio है। And as per the WHO, maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management. So WHO का अलग मापदंड है, इंडिया का अलग है। यहाँ पे WHO का क्या, विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो दिस इज व्हाट द WHO सेज अबाउट MMR। सो दिस आर सम ऑफ द डेटा टू बी रिमेंबर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज PM मोदी टू एड्रेस इंडिया आइडिया समिट। सो प्रधानमंत्री मोदी इस समिट को एड्रेस करेंगे। सो इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? दिस इज होस्टेड बाय द US इंडिया बिजनेस काउंसिल। सो दिस इज मेनली फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द ग्रेटर इंगेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये समिट का मेन उद्देश्य है बिजनेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज UNHRD मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD जॉइंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो हमने देखा था 2019 में HRD मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो डिपार्टमेंट है HRD मिनिस्ट्री के अंदर में, उन्होंने नेशनल मिशन लॉन्च किया था निष्ठा, जो कि इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा इन 2019-20। सो इसके निष्ठा प्रोग्राम समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंदर में आता है, जो कि अभी HRD मिनिस्ट्री ने आंध्र प्रदेश में 1200 की रिसोर्स पर्सन के लॉन्च किया है फिलहाल। सो दिस इज़ ए फॉर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। सो निष्ठा इंक्लूड्स ऑनलाइन मल्टीपल अप्रोचेस फॉर इंटरेक्शन, वाइल देर आर टेक्स्ट मॉड्यूल्स अलॉन्ग विथ वीडियोज, देर विल ऑल्सो बी लाइव सेशंस बाय नेशनल लेवल रिसोर्स पर्सन, एंड दिस इज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स। It also includes multiple approaches for interaction. Even interactive voice response system will also be utilized for the interaction with teachers. So HRD ministry schools को यहाँ पे schools के teachers as well as principal को training देगा, and it is completed by NCERT at the state level. Now coming to the next news article, that is India Bhutan open new trade route to facilitate connectivity between two countries. सो कहाँ पे ये ट्रेड रूम ओपन हुआ है? बिटवीन जयगांव इन वेस्ट बंगाल एंड पसाखा इन भूटान। सो दिस ट्रेड रूट विल हेल्प फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स एज वेल एज गुड्स
traveling to this Pasaka industrial state, and this will also lead to the boost of trade and commerce between India and Bhutan, जो कि बहुत ही close country है. So this will help in the movement of goods and materials. So basically इसका commercial purpose बहुत ज़्यादा है इस trade route का. Now another topic for prelims, that is committee examining non-person data regulation. So this committee is headed by Chris Gopalakrishnan. He was the co-founder of Infosys, an IT company. So non-personal data, we know that Justice B.N. Srikrishna committee was established or was set up to draft regulations for personal data. Now personal data, we know that data like email ID or our financial transactions over internet. So what is non-personal data? Non-personal data hota kya hai ki, for example, nowadays we are using a lot of apps even for ordering food or booking apps. So this non-personal data means what kind of food we are eating or in which route we are booking our cabs. This kind of data is called non-personal data. So there is no body or there are no regulations right now governing this non-personal data, which is collected by companies, multinational companies. So this committee has been set up by the government of India to make regulations to govern the non-personal data. And this committee will come out with its own draft. Thank you.